संडास दिखाता हूँ। के शर्मा, क्यों आप बेईमानी कर रहे हैं अकाउंट फ्रीज करके? कांग्रेस पार्टी के जीतना चाह रहे हैं आप। और दूसरा, अलका कह रही है हम आगे हैं आपसे गठबंधन में भी और सीट शेयरिंग में भी। अच्छा, लेकिन आप तो सीबीआई ईडी के जरिए अपने दलों को, सहयोगी दलों को डरा धमका रहे हैं। आज भी मैं सुन रहा था राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि हमारा यदि कोई खाता कांग्रेस का खाता फ्रीज कर रहा है तो ये समझिए कि लोकतंत्र का खाता फ्रीज कर दिया। ठीक है, आज भी इनकी रस्सी जल गई है, ऐठ नहीं गई है मानक जी। ये खुद को जो है गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अपने को देश से ऊपर मानती है। अरे लोकतंत्र है और मोदी जी की सरकार है, अब कान खोल के सुन लीजिए, कानून का पालन करना पड़ेगा और नहीं करेंगे और अहंकार में रहेंगे तो ये सब भी देखने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली देश का आईना है। दो बार सातों के सातों सांसद भाजपा को दिए, क्या कारण है 6 सिटिंग सांसदों की? पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन जी को, युवा प्रवेश साहब सिंह वर्मा को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया क्योंकि कोई काम नहीं किया था, लोगों में गुस्सा था, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी को लेकर। बात तो सही है। और ये सर्वे करवाते हैं, हार रहे थे बुरी तरीके से, सारा ठीकरा उम्मीदवारों के सर पर छोड़ दिया, टिकटें काट दी, नए चेहरों के नाम पर, मोदी जी के नाम पर दोबारा आने की कोशिश है। इस बार नाम नहीं, काम पूछ रही है जनता। लवणेन भोज्यम। दिल्ली में आपने अपनी सीटें घोषित क्यों नहीं की? सबने कर दी। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं मानस जी कांग्रेस ऑफिस में बैठी हूँ, आपसे बात हो रही है, सीसी की मीटिंग चल रही है और अभी हमारी सोच से ऊपर लगभग सीटों की घोषणा अभी इस समय कभी भी हो सकती है। अच्छा, और ना भाजपा के प्रवक्ता का तर्क क्या था? अभी तो 70-80 दिन का चुनाव है, अभी लगभग हो रहा है ना, तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, इनके यहाँ पर तो लोकतंत्र क्या तानाशाही है। मोदी जी पर्ची भेजेंगे, नहीं तो ईडी भेजेंगे, तो जो पर्ची इनके सहयोगियों को जाएगी वो माननी पड़ेगी, नहीं तो ईडी भेज देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मुझे इस बात का गर्व है कि आज इतिहास में 403 सीटों का रिकॉर्ड जो है वो कांग्रेस के नाम पर है, जिसे तोड़ने का भाजपा भी कभी सपने में नहीं सोच सकती। बात तो सही है। आप बोल। इसलिए 400 का जुमला फेंका है, दम होता तो कांग्रेस का 403 के रिकॉर्ड की बात करती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और स्वाभाविक है, ये जिस तरीके से खेल खेल रहे हैं, ये खेल में औंधे मुंह आकर गिरेंगे। नॉर्थ उत्तर भारत में भारी नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई के लिए दक्षिण भारत की तरफ देख रहे हैं और दक्षिण भारत में भी औंधे मुंह आ रहे हैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा बात नहीं है।